यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन है जो 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन रिलेटेड टू नेटवर्किंग है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, तो ये क्लास 12th के लिए है। आइडेंटिफाई द डोमेन नेम एंड URL फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर URL और डोमेन नेम दोनों को अलग अलग करके बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब ये पूरा नाम लिखा हुआ है, इसमें URL भी है और डोमेन नेम भी है, दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे URL क्या होगा और डोमेन नेम दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, तो देखिए सीधा देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर नाम जो दिया गया है ना, ये देखिए ये आपका डोमेन नेम हो जाएगा, केवल इतना ही। income.in ये आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो यहां पर जब भी आपसे पूछा जाए तो सीधा सीधा यहां पर लिख दीजिए income.in, एक नंबर पाने का बहुत आसान उपाय, ठीक है, income.in। अब ये जो है ना, ये क्या है, ये डोमेन नेम है, क्या है, डोमेन नेम, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और अब URL क्या है, तो बाकी का ये पूरा जो है ना, ये पूरा जब हम उठाएंगे तो ये देखिए HTTP लगा हुआ है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, URL बन जाएगा। तो ये जो है ना URL है, ये क्या है, URL। तो आप यहां पे लिख दीजिएगा URL इस तरीके से। तो डोमेन नेम अलग हो गया, URL अलग हो गया, एक नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह का जो भी .com .in नाम के साथ होता है तो वो होता है क्या, डोमेन नेम, ठीक है ना। अब समझ गए, केवल दो लाइन, ये छोटी सी लाइन लिखनी है, एक नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, ओके। इसी तरीके का और भी एग्जाम्पल हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये सवाल आपके लिए है, जरा देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। अब मुझे ये बताइए इसमें से कौन सा डोमेन नेम होगा और कौन सा URL होगा, तो आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा डोमेन नेम है और कौन सा URL है, जरा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, ओके।